दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी बिहार तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घना कोहरा और भीषण ठंड के बीच में मौसम विभाग ने अब बारिश और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली सहित उत्तर पश्चिमी भारत में अगले सप्ताह हल्की से मध्यम बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ ओलावृष्टि होने का अनुमान है। एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 21 जनवरी से 25 जनवरी तक उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है। इसके साथ ही एक बार फिर से उत्तर भारत में ठंड बढ़ जाएगी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। हालांकि लोगों को जल्द ही शीतलहर से राहत मिलने वाली है, तो वहीं उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर की स्थिति 19 जनवरी से समाप्त होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज और कल यानी कि 18 और 19 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। इसके अलावा एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली से लेकर पूरे उत्तर भारत में 21 जनवरी से 25 जनवरी के बीच बारिश हो सकती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ज्योति सिंह दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। ज्योति, देखिए शीत लहर का सितम लगातार जारी है और इसी बीच मौसम विभाग ने भी एक पूर्वानुमान जारी कर दिया है कि बारिश हो सकती है और साथ ही में ओलावृष्टि भी देखी जा सकती है, किस तरह से देखती है? जी बिल्कुल आयुष, देखिए दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत के जो ज्यादातर इलाके हैं इन दिनों कड़ाके की ठंड से झेल रहे हैं वहां पर। वही देखिए राष्ट्रीय राजधानी की बात करें तो आज मंगलवार को माफ कीजिएगा, आज बुधवार को जो शीतलहर की जारी है और वही न्यूनतम तापमान की बात करें तो देखिए 2.4 डिग्री सेल्सियस जो है वो नापा गया है। और वही देखिए जबकि दिल्ली में अगर हम बात करें तो बीते दिनों जो पारा था वो काफी ज्यादा गिरते हुए दिखाई दिया था और 2021 के बाद महीने का सबसे दर्ज जो तापमान किया गया था वो सबसे कम तापमान था। वही देखिए मौसम विभाग ने जो पूर्व अनुमान लगाया है कि दिल्ली सहित पूरे उत्तर पश्चिम में भारत के उत्तर पश्चिम में अगले हफ्ते तक हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है और वहीं देखिए तेज हवा से के साथ साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो देखिए अगर ऐसा होता है, क्योंकि मौसम विभाग ने जिस तरीके का अनुमान लगाया था इस हफ्ते को लेकर वो वाकई में सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों शीतलहर की कड़ाके की ठंड पड़ती हुई दिखाई दे रही है और अगर ओलावृष्टि होती है तो देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान इन सब जगहों पर ओलावृष्टि की वजह से ठंड और कड़ाके की ज्यादा पड़ने लग जाएगी। तापमान, न्यूनतम तापमान की बात करें तो देखिए वो बहुत ज्यादा गिरते हुए दिखाई देगा और जिस तरीके से अभी मौजूदा स्थिति की बात करें जो शीतलहर की स्थिति बनी हुई है वो काफी ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती हुई दिखाई दे रही है। सुबह शाम की बात करें आयुषी तो देखिए विजिबिलिटी जो है वो काफी कम होती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर की बात करें, राजस्थान, यूपी, बिहार इन सब जगहों पर कोहरे की वजह से जो कोहरे की धुंध की सफेद चादर है उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को, क्योंकि एक तरफ जहां कोहरा है वहीं दूसरी तरफ ये शीतलहर की हवाओं की वजह से जो ठंड है वो भी बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए 21 से 25 जनवरी के बीच में मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश हो सकती है और इसके प्रभाव से पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र की बात करें तो देखिए हिमालय पर कई जगहों पर बर्फबारी भी स्टार्ट हो सकती है और 23 से 24 जनवरी की बात करें तो देखिए यहाँ पर स्थिति जो है वो अपने चरम पर बनी हुई है जबकि 25 जनवरी तक इसके जारी रहने का अनुमान जताया है। वहीं देखिए इस वक्त हम अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से ये जो हवाएं हैं वो उत्तरी भारत की तरफ जब आती है तो और भी ज्यादा शीतलहर का कहर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कोहरे के कारण अगर हम उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो हिस्सों में सड़क, रेल यातायात भी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई फ्लाइट, ट्रेन जो है वो लेट हो चुकी है कोहरे की वजह से। तो देखिए ना सिर्फ लोगों को परेशानी हो रही है इस कड़ाके की ठंड से बल्कि लोगों को काम पर जाने के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इस बार की ठंड जो है वो पिछले 56 साल का रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी ज्योति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।